गुमशुदा पति की तलाश की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंची महिला। 5 दिन पहले कुछ युवकों ने किया था अपहरण। 5 दिन पहले रेखा और उसका पति फूलचंद मदार से कोटड़ा की ओर जा रहे थे। इसी बीच सावित्री चौराहे पर कुछ गाड़ियां आई, उसमें बैठे कुछ युवक और एक महिला ने दोनों को अपनी गाड़ियों में डाला और आगे जाकर रेखा को गाड़ी से धक्का दे दिया और उसके पति फूलचंद को वहां से लेकर फरार हो गए, जिसके बाद रेखा ने किशनगंज थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन अभी तक रेखा के पति का कोई पता नहीं चला। इसलिए आज रेखा अपने पति की तलाश की गुहार लगाने पुलिस कप्तान के पास पहुंची। रेखा का कहना है कि जो महिला और युवक उसके पति को लेकर गए हैं उनसे किसी बीसी का मामला चल रहा है, लेकिन वह उन लोगों से कोई कर्जा नहीं मांगते हैं। उसके बावजूद उन्होंने उसके पति को इस तरीके से अपहरण कर ले गए हैं और रेखा की 2 गाड़ियां भी उन्होंने जब्त कर रखी है। इसलिए आज पीड़ित महिला पुलिस कप्तान के पास मदद की गुहार लगाने पहुंची। महिला का कहना है कि वह 5 दिनों से थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। हाँ बताओ क्या मामला है? सर, मैं और मेरे पति दोनों मदार से मतलब ओकरा जा रहे थे गाँव हमारे, तो रस्ते में सावित्री चौराहे है ना, उसके पास में हम दोनों को गाड़ी रुकवाई। 3 गाड़ियां आई अचानक से, उसमें एक लेडीज थी, 6 आदमी थे। तीनों गाड़ियां रुकी और गाड़ी को पकड़ी और बोला गाड़ी रोको रोको, रोक ली हमने। उन्होंने जबरदस्ती, एक बंदे ने विजय नाम का बंदा था, उसने मेरे पति की कॉलर पकड़ी, उनको अंदर धकेला गाड़ी में पीछे और वो गाड़ी चलाने लग गया। थोड़ी दूरी पे आगे ले जाके मुझे तो आगे धक्का दे दिया और उनको जो आगे ले गए पता ही नहीं अभी तक। उनका 5 दिन हो गए ना, तो पुलिस कोई एक्शन ले रही है ना कोई दूसरे ले रहे हैं। सर किशनगंज थाने के अंदर है, हम लोग 5 दिन हो गए, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे। सर हमें कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा, बस यही कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं। 5 दिन हो गए, हम लोग खाना पीना छोड़ के उनके चक्कर काट रहे कानों के, 10 दिन हो रहे। सर बार बार मुझे धमकियां दे रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं कि तुम फैसला कर लो, तुम फैसला कर लो। मैं किसका फैसला करूँ? मेरा पति ले आओ, गाड़ी ले आओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सर उन्हीं के फिर आते हैं, उन्हीं के रिश्तेदार आते हैं और मेरे घर आए, कल मेरे पास कोर्ट में भी आए थे, कल मेरे घर पे भी आए थे, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि तुम ले आओ तुम्हारे पति को ढूंढ के। मुझे पता होता तो मैं उनके पास क्यों जाती, क्यों कंट्रोल रूम फोन करती, क्यों उनको बुलाती मैं। सर मुझे मेरा पति चाहिए और मेरी गाड़ी चाहिए, बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, आगे से आगे रिक्वेस्ट करो कि मेरे पति घर पर ऐसे ही सलामत आ जाए। और सर मेरा नाम रेखा रावत है, मेरे पति का नाम फूलचंद है, हम मेरा ससुराल ओकरा है और मदार की पियर है मेरा, लेकिन हम रहते हैं मदार ही है। कौन आदमी है जो आपके पति का है? जी सर वैशाली नगर की विजय गुजर है और मुन्नी देवी उनकी माँ का नाम है, गुजरों के है वो। सर हमारे बीसीओ का लपड़ा है और कोई लपड़ा नहीं है, बीसीआ चल रही है, रेगुलर जा रहा है, हिसाब हमारा बराबर है, कोई हमारे से मांग तांग नहीं है उनकी। बाकी फिर भी उन्होंने मेरे पतियों से गाड़ी छीन रखी है, 2 गाड़ियां छीन रखी है, एक मेरी खुद की एक्टिवा मेरे से छीनी थी उन्होंने, और बाकी लड़के जो उनके साथ है सारे उनके किराएदार है वो लड़के। जी सर मेरा चैन तोड़ लिया उन्होंने, मेरा एक लॉकेट तोड़ लिया था, मेरा मोबाइल छीन लिया था और मुझे धक्का देके पटक दिया था। उनका अभी तक कुछ पता नहीं है, मुझे कहते हैं तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, तुम्हारा कर्जा माफ हो जाए। किसका कर्जा है जो कर्जा माफ करेंगे? मेरा पति लाके दो, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, और गाड़ियाँ चाहिए मेरी वापस, मुझे सही सलामत। सर मेरे 3 बच्चे हैं, 3 गुड़ियां हैं मेरी छोटी छोटी, 5 दिन हो गए मुझे अनपानी निकाल रही है, मेरी मम्मी है, ये सास है, इनसे पूछो। सर मुझे मेरा पति चाहिए, पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे, धमकी दे रहे पुलिस वाले उल्टे मुझे कि तूने तेरे पति को छुपा दिया है। सर रेखा रावत है मेरा।